हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हैप्पी नवरात्रि। आज आप लोग को डुमरा और बक्सर का बेस्ट पंडाल दिखाएंगे, जो बहुत खूबसूरत और भव्य है। तो चलिए आप लोग को हम चलते हैं शाम। तो देखिए दोस्तों, हम आगे पानीपट्टी तो देख सकते हैं कि बहुत सारा डेकोरेशन किया गया है, लेकिन अभी डे है तो इसीलिए लाइट नहीं जलाया गया है, क्योंकि दिन में लाइट भाई नहीं जलाया गया है। तो इसलिए सीधा पंडाल में चलते हैं, देखते हैं पंडाल की खूबसूरती किस थीम पर बना हुआ है। ओ माय गॉड, अमेजिंग। देख सकते हैं कि बक्सर में भी कोलकाता जैसा पंडाल बनाया जा रहा है दोस्तों। ये बहुत खूबसूरत पंडाल है। ये पंडाल बिल्कुल लकड़ी का है, क्योंकि जो बांस का होता है उसका पूरा फाड़ के बनाया गया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग लग रहा है भाई। देखिए अंदर की भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और देखिए माँ की प्रतिमा भी बहुत खूबसूरत है, जय माता दी। तो देखिए भीड़ इकट्ठा होने लगा, क्योंकि आज से मेला स्टार्ट हो गया है। जो हमारे बक्सर का मेला है दुर्गा पूजा, वो स्टार्ट हो चुका है। देखिए कितना कलरफुल बैकग्राउंड है। और देखिए इधर पेड़ पौधा बहुत मस्त लग रहा है। इतना सुंदर पंडाल आपको पानीपट्टी में देखने को मिलेगा। देखिए हम तो देखिए घूमते घूमते देखिए चलित्र वन का है। ये भी बहुत अपने आप में एक बहुत खूबसूरत पंडाल है, क्योंकि वीर बालक द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो बहुत अच्छा है। इसके अंदर चलते हैं और माँ की प्रतिमा भी देखते हैं, क्योंकि भैया आज से मेला स्टार्ट हो गया है, तो दरबार में तो माँ की हाजिरी लगाना ही है। तो जय माता दी के नाम लेते हुए आप जरूर जाइए, क्योंकि चलित्र वन में भी बहुत भव्य पंडाल ये बना हुआ है। तो बहुत सारे पंडाल आज बक्सर में हम दिखाएंगे, क्योंकि जो न्यू थीम पर बना है, हर एक साल चेंजिंग होता है, तो कुछ नया दिखने को मिलता है। तो आप लोगों को सोचा कि चलो अपडेट दे देते हैं, क्योंकि आप जब भी बक्सर आए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर बेस्ट पंडाल है। तो ये है चलित्र वन का पंडाल। तो देख सकते हैं माँ की प्रतिमा बहुत जो खूबसूरत है। आइए देखिए मठिया मोड़ पर है, जो गिटार के तर्ज पर बनाया गया है। बहुत न्यू थीम है बक्सर के लिए, क्योंकि बक्सर जिला में पहली बार इसे न्यू थीम पर बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये भी एक नया बक्सर के लिए है। तो आप मठिया मोड़ पर आइएगा तो इस तरह का पंडाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अंदर माँ के दरबार में, देखते हैं कि माँ का जो पंडाल है इतना सुंदर है, तो माँ की प्रतिमा कितना सुंदर होगा। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर, जय माता दी। तो बहुत यहाँ का भी नज़ारा है, बहुत है। देखिए अब सीधा घूमते हुए आप लोग बहुत सारा पंडाल दिखाएंगे। देख सकते हैं अभी दिन में भाई भीड़ भाड़ नहीं है, तो सोचा कि चलो अभी दिन में ही चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। जो बहुत देखिए भैया, जिसका इंतजार था, जो बक्सर में सबसे बेस्ट पंडाल बना है, वो केदारनाथ के थीम पर बना है। जो देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर का बिल्कुल सेम वही थीम है, वही फेस है मंदिर का। जो देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ बहुत क्राउड भी होगा, क्योंकि बक्सर में केदारनाथ का पहला बार ये पंडाल बनाया गया है तर्ज पर। तो आप देख सकते हैं, चलिए पंडाल के अंदर चलते हैं और पंडाल की भी खूबसूरती दिखाते हैं। तो देख सकते हैं पूरा बैकग्राउंड भी कलर किया गया है। इधर माँ की प्रतिमा है, जो बहुत डेकोरेट और लाइट का भी बहुत अच्छा कम्बिनेशन किया गया है। जो देख सकते हैं मूर्ति बहुत कितना सुंदर लग रहा है। तो पट खुल गया है, आप पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होने लगा है। तो चलिए सीधा चलते हैं केदारनाथ से दर्शन करते हुए और आगे दिखाते हैं, पानीपट्टी की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए ये भी पानीपट्टी में एक नया बना हुआ है, बट अभी हम जाएंगे नहीं इधर, सीधा इधर से निकलते हैं और आगे भी ले चलते हैं, आप लोग दिखाते हैं और क्या क्या नया जो पंडाल है उसको बारे में बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा पंडाल। आप बक्सर में आते हैं तो आपको ज़्यादा तो देखिए एक नया थीम पर यहाँ पर भी आप लोग को एक बहुत अच्छा पंडाल देखने को मिलेगा, जो बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया गया है, जो देख सकते हैं हर हर महादेव। तो ये भी देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा शिवलिंग है। ये भी एक नया थीम है, आप देख सकते
ये प्रिंटिंग के माध्यम से पूरा दर्शाया गया है, जो बहुत खूबसूरत पंडाल है। यहाँ पर भी आके आप घूम सकते हैं, क्योंकि आपके लिए